सर सुबह 7 बजे की घटना है ये। सुबह मंडी जीजा जा रहे थे, वहाँ उन्होंने गाली देते हुए अंदर घसीट लिया कमरे के अंदर अपने। उन्होंने मारा पीटा, जब घेंचुआ दबा के मार डाला तब वो दूसरे कमरों में लटका दिया है और अंदर से कुंडी बंद करके अंदर ही से निकले आए वो लोग। और तुरंत उन्होंने अपने आप चाकू मार के कहीं चले गए हैं। इससे कि मतलब इन्होंने राम भरोसे ही मारा है, नहीं उन्होंने अपने ही हाथ जब इनको मार डाला जान से तब उन्होंने अपने हाथ ये चाकू मार ली है हाथों में। ये घर पर हुआ है, घर के वजह से घर आधा था ऐसा, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली चोरी से। उसी के उस पर ये भगाना चाहते थे घर से कि निकल जाओ यहाँ से। ये इनके चाचा थे, सगे चाचा थे, इन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। अब इनको घर से बाहर निकालने को कह रहे थे तो जीजा निकले नहीं, इसके वजह से ये घटना की है। मारपीट मारा है इन्होंने जगह घर के पीछे लटका के यहाँ से चले गए। हमको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए, इन लोगों को फांसी चाहिए जिस हिसाब से लटका दिए हैं इन्होंने। मैं इनका साला हूँ, हरि प्रसाद मौर्य। रात थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में श्री राम भरोसे मौर्य द्वारा पंखे से लटककर हत्या किया गया है। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है। मृतक श्री राम भरोसे मौर्य का विवाह अपने सगे चाचा श्री रामसेवक मौर्य जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उनसे मकान का विवाद था। यह प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। दोनों एक ही मकान में रहते हैं। आज सुबह 7:30 बजे के आसपास इसी मकान विवाद को लेकर आपस में चाचा भतीजे में मारपीट हुई, जिसमें मृतक हैं उनकी पत्नी को चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष के रामसेवक के लड़के जितेंद्र, उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। इसी झगड़े को लेकर राम भरोसे मौर्य जो रामसेवक के सगे भतीजे हैं, अपने कमरे में दरवाजा बंद कर इन्होंने पंखे से फांसी लगा ली। मौके पर फील्ड यूनिट और थानाध्यक्ष को भेजा गया था। दरवाजा काट के इनका शव नीचे उतारा गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। जो कुछ भी उस प्रार्थना पत्र में होगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष विवेचना की कार्रवाई की जाएगी।